तो दोस्तों LIC के शेयर को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इसको कब तक हम होल्ड करें, या इसको होल्ड करें या अभी भी जितना भी लॉस मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो जाएं। तो आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी LIC के शेयर पर? और दोस्तों इस पर काफी ज्यादा कमेंट्स और सवाल भी आते हैं कि LIC के शेयर को लेकर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स जानेंगे LIC के शेयर को लेकर, और बाकी सारी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे भी LIC को कंपेयर करेंगे, मतलब उनके मुकाबले LIC कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है LIC को लेकर वो क्लियर हो जाए और आपके क्लैरिटी आ जाए जो भी आपको डिसीजन लेना है, मतलब आप उसको होल्ड करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे, इसके अंदर आपकी क्लैरिटी आ जाए। और देखिए दोस्तों, मैंने जब इसका रिव्यू का वीडियो बनाया था, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के अंदर तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और दोस्तों मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर भी कहा था अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के अंदर नहीं है तो आप पहले ही दिन एग्जिट हो जाएं। और पहले दिन ये क्या है कि 920 रुपए के आसपास भी गया था, तो जिन लोगों का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था तो उनको पहले ही दिन इससे एग्जिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स काफी देखने को मिल सकते हैं, फिर अगर आपका टारगेट अगर शॉर्ट टर्म के लिए फिर आप क्या है कि इसके अंदर फंस जाएंगे। इसीलिए टारगेट होना जरूरी है किसी भी IPO किसी भी शेयर के अंदर। खैर कोई बात नहीं, वीडियो नहीं देखा तो अब इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स जान लेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों LIC इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, और ये जो मार्केट शेयर करती है लगभग 66% का, तो बाकी सारी कंपनी जो मार्केट शेयर करती है सिर्फ 34% के आसपास का, तो बाकी सारी कंपनियों को भी अगर मिला दे तो उनसे भी लगभग दुगुना है इसका मार्केट शेयर। तो ऑब्वियसली LIC जो है मार्केट लीडर है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इसीलिए बाकी सारी कंपनी से इसकी वैल्यूएशंस भी ज्यादा होगी। ये तो निश्चित है कि इसकी वैल्यूएशंस बाकी सारी कंपनियों से ज्यादा ही होगी, क्योंकि इसका मार्केट शेयर भी आपने देखा, और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के अनुसार इसकी 5th ग्लोबली रैंकिंग है, मतलब 5वें नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर GWP के अनुसार, और 10th ग्लोबली रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ एसेट, मतलब जितने भी इसके पास एसेट्स है उसके हिसाब से ये 10वीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका जो टोटल AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, में जितना भी ये पैसा मैनेज करती है, इसके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है लगभग 40.1 लाख करोड़ रुपए का, और शेयर मार्केट के अंदर जितने भी शेयर लिस्टेड है NSE और BSE के अंदर, उसके अंदर 4% जो हिस्सेदारी है वो LIC के पास है, मतलब इतना ये मार्केट कैप अकेले होल्ड करती है। तो ये थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, अब थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि पिछले कुछ सालों में इसका जो मार्केट शेयर है वो घट रहा है, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो ये लीडिंग कंपनी है इसका जो मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों में लगातार थोड़ा थोड़ा करके घट रहा है। हाँ ये बात सही है कि इसका मार्केट शेयर घटा है, अगर पिछले 9-10 सालों के अंदर अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो लगभग 70% से ऊपर का था मार्केट शेयर, अभी 70% से कम का हो गया है इसका मार्केट शेयर आज की तारीख में अगर देखें तो। पर अभी भी अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो 66% के आसपास है, जो कि बहुत जबरदस्त है, बाकी सारी प्राइवेट कंपनियां मिला के भी इसके आधे के बराबर आती है। हाँ ये बात सही है कि इसका मार्केट शेयर घटा है, पर ये बात भी है कि बाकी सारी जो प्राइवेट कंपनीज भी बढ़ी है, तो अगर प्राइवेट कंपनीज भी बढ़ेगी मतलब दूसरी कंपनीज भी आएगी तो थोड़ा बहुत तो मार्केट शेयर जो है वो बटेगा सब में। अब दोस्तों ये मार्केट शेयर घटा क्यों है? LIC पर विश्वास तो बहुत ज्यादा है सबको, पर थोड़ा बहुत मार्केट शेयर जो है बटा क्यों है? तो जो ये नई प्राइवेट कंपनीज है वो न्यू टेक्नोलॉजीज को फास्टली अडॉप्ट करती है। न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि जो ऑनलाइन पॉलिसी सेल करना है, जैसे पॉलिसी बाजार जैसी साइट्स हैं वहां पर काफी सारी पॉलिसीज हमें कंपेयर करने को देखने को मिल जाती है, वहां क्या है कि खरीदने में आसानी होती है, तो ऐसी वेबसाइट से काफी सारी प्राइवेट कंपनियों का टाई अप है, जिसके कारण क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करती जा रही है और आगे भी लगातार बढ़ रही है। और जबकि LIC का अगर बिजनेस देखें तो LIC का जो मेन बिजनेस है 90% से ऊपर का, मतलब लगभग 94-95% का जो बिजनेस है वो सिर्फ एजेंट से आता है, एजेंट्स जो ऑफलाइन पॉलिसी सेल करते हैं। ये बात बढ़िया है कि LIC एजेंट्स पर निर्भर है, और इससे क्या है कि एजेंट्स का घर भी चलता है, और उसके बजाय अगर प्राइवेट प्लेयर्स को देखें तो वो सिर्फ लगभग 35% के आसपास ही एजेंट्स के भरोसे हैं, बाकी सारी जो पॉलिसीज है वो ऑनलाइन सेल करती है। और उसके बजाय अगर LIC को देखें तो 10% के आसपास ही पॉलिसी वो ऑनलाइन सेल करती है, बाकी सारे एजेंट्स के भरोसे हैं। पर अब नया मूव क्या आया है LIC के अंदर कि LIC ने लगभग फरवरी 2022 के आसपास अगर न्यूज आपने देखी हो तो पॉलिसी बाजार के साथ LIC ने टाई अप कर लिया है। तो अब क्या है कि LIC की जो पॉलिसी है वो हमें पॉलिसी बाजार पर भी देखने को मिल जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पॉलिसी बाजार जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहां से LIC क्या है कि टाई अप करेगी सबके साथ।
जिससे क्या है कि ऑनलाइन के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है बढ़ाएगी और आसानी रहेगी। जब क्या है कि हम कंपेयर करके सारी पॉलिसीज को खरीदते हैं, आजकल जमाना ही ऑनलाइन का है, सारे लोग क्या है कि कंपेयर करके खरीदते हैं कि मतलब किसकी पॉलिसी सस्ती चल रही है, किसके अंदर ज्यादा फायदा है, तो ये कंपेयर करके खरीदने में आसानी रहती है। तो मुझे लगता है जैसे अभी पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है, उस तरह से और भी काफी सारी कंपनीज के साथ ये टाई अप कर सकती है, जिससे क्या है कि आने वाले टाइम में इसको फायदा मिल सकता है। हालांकि इसका मार्केट शेयर कम हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि LIC इस पर काम नहीं कर रहा है। LIC ऐसा नहीं चाहेगा कि इसका जो मार्केट शेयर है लगातार घटता जाए, तो LIC इस पर जरूर काम करेगा। तो पॉलिसी बाजार के साथ तो टाई अप कर लिया है, और भी काफी सारी कंपनीज हैं, उनके साथ कब टाई अप होता है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो सबसे बड़ी मेन कमी यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में LIC थोड़ी देरी कर रहा है, और जबकि प्राइवेट प्लेयर्स को देखें तो वो न्यू टेक्नोलॉजी लगातार अडॉप्ट करती जा रही है, जिसके कारण क्या है कि वो इस रेस में थोड़ा आगे चल रही है। और बाकी अगर भरोसे की भी बात करें तो LIC इसके अंदर आगे है। LIC कंपनी पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही आपको समझ में आ गए। अब दोस्तों इसके थोड़े फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं टिकर टैप पर। तो दोस्तों किसी भी शेयर के आपको अगर फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स वगैरह देखने होते हैं तो टिकर टैप बहुत ही बढ़िया ऐप है। यहाँ पर आप आसानी से किसी भी शेयर के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स वगैरह देख सकते हैं और इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों टिकर टैप पर अगर इसका प्राइस चार्ट वगैरह देखते हैं तो अभी ये 710 रुपए के आसपास चल रहा है, और इस IPO की जब लिस्टिंग हुई थी तब से ये हाईएस्ट गया है लगभग 920 रुपए के आसपास, उसके बाद से ये लगातार गिर रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट भी लगातार गिर रहा है, इस कारण भी इसके अंदर काफी गिरावट हमें देखने को मिली है। और मैंने आपको कहा भी था कि एक बार ये गिरेगा, गिरने के बाद अपना बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद क्या है कि LIC के IPO में वापस हमें मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों टिकर टैप पर अगर इसके फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो 2019 से लेकर 2022 तक अगर इसका रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर लगातार बढ़िया ग्रोथ है, और प्रॉफिट के अंदर भी देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। और 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 7.25 लाख करोड़ रुपए का, और अगर प्रॉफिट देखते हैं तो सिर्फ 4000 करोड़ रुपए का है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़े से कम है। ये प्रॉफिट मार्जिन आपको कम क्यों नजर आ रहे हैं? कम इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए दोस्तों पहले जो LIC क्या क्या पॉलिसी थी कि LIC क्या करता था कि जो जितना भी पैसा कमाता था उसके अंदर जो 95% है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के अंदर बांट देता था, और 5% अपने पास रखता था, जो भी सैलरी वगैरह होती है या कोई भी जो भी खर्चा होता है वो निकालकर 5% ही अपने पास रखता था और 95% अपने पॉलिसी होल्डर्स के अंदर बांट देता था। पर अब 2021 के बाद इसने अपने पॉलिसीज के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, तो जो ये 95% पॉलिसी होल्डर्स में बांटता था अब थोड़ा सा इसने कम कर दिया है, अब थोड़ा ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने लगा है, जिससे क्या है कि अब इसके आने वाले टाइम में इसकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी और इसके प्रॉफिट में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों टिकर टैप पर और भी काफी सारी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी शेयर का अगर एनालिसिस करना हो तो इस पर आप आसानी से कर सकते हैं। टिकर टैप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों LIC कंपनी को बाकी सारी प्राइवेट कंपनी से भी कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इसके PE वाइज भी देख लेते हैं, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से भी देख लेते हैं, ROCE के हिसाब से भी देख लेते हैं, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इन सभी चीजों के हिसाब से इसको कंपेयर कर लेते हैं और मार्केट कैप भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों LIC का अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 4.48 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है आज की तारीख में, और HDFC लाइफ का जो मार्केट कैप है 1.25 लाख करोड़ रुपए का, SBI लाइफ का है 1.15 लाख करोड़ रुपए का, और ICICI प्रोडेंशियल का है 80,000 करोड़ रुपए का। तो LIC इन सभी कंपनी से काफी ज्यादा आगे चल रही है, अगर इन सभी को भी मिला दें तो LIC सबसे ज्यादा आगे है। तो मार्केट कैप के अनुसार लार्ज कैप कंपनी है और इन सभी से आगे चल रही है। फिर दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की इंडस्ट्री का अगर PE देखते हैं तो 75.8 मतलब 75.8 का PE चल रहा है, और अगर LIC का PE देखो तो लगभग 111 रुपए का चल रहा है, तो मतलब अपने जो इंडस्ट्री की शेयर है उनसे ये शेयर जो है थोड़ा महंगा चल रहा है। मैंने आपको बताया LIC लीडिंग कंपनी है तो इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी तो ज्यादा होगी ही। दोस्तों HDFC लाइफ है, उसका PE चल रहा है 104 का, तो HDFC लाइफ के लगभग बराबर ही है इसका PE। फिर दोस्तों SBI लाइफ का अगर PE देखें तो 76.7 का है, और ICICI प्रोडेंशियल का जो PE चल रहा है 106 का। तो PE वाइज बाकी तीन कंपनियों से भी कंपेयर करें तो ज्यादा महंगा नहीं है LIC का शेयर, बाकी वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत सही नजर आ रहा है LIC का शेयर। और इसकी अगर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 48.2% की बहुत जबरदस्त है, ROCE 142% की है वो भी बहुत जबरदस्त है, पर अभी इसकी ROE ROCE एकदम सही काउंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादातर जो हिस्सा मैंने आपको बताया कि पॉलिसी होल्डर्स को बांट देता था, तो पूरी तरह से हम इसकी ROE ROCE को सही तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों HDFC लाइफ की जो ROE है लगभग 10% के आसपास की, SBI लाइफ की 13.7% की, ICICI की है 7.14% की, तो ROE के हिसाब से भी अगर देखें तो LIC काफी ज्यादा आगे चल रही है। फिर दोस्तों डेप मतलब उधारी की बात करें तो LIC के ऊपर 0 डेप है, मतलब पूरी ऋण मुक्त कंपनी है, डेप फ्री कंपनी है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों HDFC लाइफ पर डेप्ट की बात करें तो 600 करोड़ रुपए के आसपास का डेप्ट है, SBI लाइफ पर 0 डेप्ट है, और ICICI प्रोडेंशियल पर है 1200 करोड़ रुपए का डेप्ट। तो अगर गवर्नमेंट कंपनीज पर देखें तो गवर्नमेंट दोनों कंपनीज पर कोई डेप्ट नहीं है, और जबकि प्राइवेट कंपनीज पर देखें तो उनके ऊपर डेप्ट है आज की तारीख में, ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। LIC के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है आज की तारीख में, और अगर LIC का शेयर प्राइस देखें तो 710 रुपए के आसपास का चल रहा है,
और HDFC लाइफ का 593 रुपए के आसपास और SBI लाइफ का 1155 रुपए के आसपास और ICICI प्रूडेंशियल का जो शेयर प्राइस चल रहा है 559 रुपए के आसपास। तो अगर LIC को फाइनेंशियली फंडामेंटली और मार्केट कैप के अनुसार भी देखिए तो बाकी सारी कंपनियों से बेहतर है इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीजें। इसके अंदर मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा कि ये जो अपना मार्केट शेयर है वो लगातार इसका घट रहा है, बाकी इसके अंदर कोई भी कमी मुझे नहीं नजर आ रही है। पर अभी इसने फरवरी 2022 मार्च 2022 के आसपास इसने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ऐसे ही प्लेटफॉर्म के साथ ये टाई अप कर सकता है जिससे ये क्या है कि ऑनलाइन अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। और दोस्तों इसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा महंगी नजर नहीं आ रही है, हालांकि इसको पी वाइज वगैरह आरओई आरओसी वाइज पूरी तरह से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। मार्केट कैप अपॉन एम्बेडेड वैल्यू अगर निकालते हैं तो LIC का निकल कर आता है लगभग 1.1 का और बाकी सारी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनका अगर एम्बेडेड वैल्यू निकाले तो 2.5 से लेकर 4.5 के बीच में आता है। तो उस हिसाब से भी देखें तो LIC जो है काफी सस्ती वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ है और पहले जो इसकी प्राइस लगभग रख रहे थे 2000 रुपए के आसपास, तो उस हिसाब से भी देखें तो अगर आज की अगर इसकी प्राइस देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी सारी कंपनी से काफी ज्यादा आगे है। तो ओवरऑल अगर LIC के शेयर का अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो शेयर जो है फाइनेंशियली फंडामेंटली सारी चीजों के अंदर बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है और बाकी सारी कंपनी से भी कंपेयर करें तो ज्यादा महंगा भी ये शेयर नहीं है, मतलब वैल्यूएशन भी इसकी काफी अच्छी है। और शुरुआत में भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप इससे बहुत मल्टीबैगर 2-3 गुना जैसे रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं मिलेगा, मतलब आप इससे डिसेंट रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। एक सेफ स्टॉक है, मतलब अगर आप सेफ स्टॉक को तलाश रहे हैं तो ये सेफ स्टॉक है और बाकी आप जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा भी ये शेयर नहीं है। और ये बात भी है कि इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है, मतलब ऑलरेडी ये कंपनी जो है अपनी अच्छी पोजीशन पर है और इसके अलावा ये गवर्नमेंट कंपनी भी है और जनरली हमने देखा है कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट कंपनीज है इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद हम LIC के शेयर से कर सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर एंट्री बनाई है तो शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर नहीं है। और बाकी अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि पेटीएम के जैसा शेयर है या बिल्कुल भी डूब जाएगा तो ऐसा भी ये शेयर नहीं नजर आ रहा है। आपने इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीजें देखी है, ये गिरेगा, हालांकि हो सकता है 700 से भी नीचे जाए, 650 के आसपास भी जा सकता है। तो जितना भी नीचे जाता है उसके बाद अपना एक बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद मुझे लगता है वापस ये जो शेयर है अपना अपवर्ड साइड में मूवमेंट कर सकता है और जैसे ही मार्केट सुधरेगा तो LIC की शेयर के अंदर भी हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन था LIC के शेयर को लेकर वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्या आप LIC के शेयर को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों पर्सनली आपको LIC का शेयर कैसा नजर आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी क्या राय है LIC के शेयर को लेकर वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों टेलीग्राम टिकट ऐप और फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों हमारा वीडियो हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।